हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो आज मैं आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी लेकर आया हूँ जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और मूवी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल रियल मूवी को देख रहे हैं। तो आई होप कि आपको हमारा आज का एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आएगा। और मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक थाई हॉरर मूवी है। वार्निंग, वेलकम टू हॉरर लैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि थाईलैंड में 2018 में आई डॉक्यूमेंट्री टीम ने सभी भूत भगाने वाले लोकल प्रीस्ट यानी कि शमन की लाइफ को ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो निम नाम की एक शमन या फिर यूँ कहे तो लोकल प्रीस्ट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। और इसीलिए उन्होंने निम को 2400 घंटे शूट करने का डिसाइड किया। और निम एक बैन नाम की स्पिरिट से पजस्ट है। नीम ये बताती है कि हर चीज़ में आत्मा होती है, जैसे इंसानों, नदियों में, कीड़े में, और वे सभी स्पिरिट्स को ही गॉड मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। और ये गॉड दो टाइप्स के होते हैं, एक अच्छे गॉड और एक बुरे गॉड। अच्छे गॉड उन्हें ताकत और अच्छा जीवन देते हैं और बुरे गॉड उन्हें दर्द देते हैं। फिर नीम अपने अंदर के बायन नाम की स्पिरिट के बारे में बताती है कि बायन एक अच्छे गॉड है जो कि यहाँ की रक्षा करते हैं और सभी लोग इनकी पूजा करते हैं। तभी हमें एक पहाड़ पर बायन गॉड की मूर्ति दिखाई देती है। और फिर निम ये बताती है कि बायन गॉड हमारे परिवार में से किसी न किसी को अपना मीडियम बनाते चले आ रहे हैं और ये गॉड सिर्फ वुमन्स को ही अपना मीडियम बनाते हैं। निम ये भी बताती है कि उन्होंने सबसे पहले अपने ग्रैंड मदर को बायन गॉड से पजस्ट देखा था, फिर उसके बाद में उनकी आंट और फिर उसकी सिस्टर नॉय की बॉडी में बायन गॉड आए थे, मगर नॉय ने गॉड को अपनी बॉडी एज ए मीडियम देने से मना कर दिया था। तो इसके बाद में अब वो मेरे शरीर में आकर सारे गांव की मदद करते हैं और सबकी बीमारियों को ठीक करते हैं। ये ऐसी बीमारी होती है जो कि डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाती है। इसका मतलब निम पजस्ट लोगों की मदद करती है जो कि किसी बुरी स्पिरिट के शिकार होते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि निम अपने सिस्टर के हस्बैंड विलो के फ्यूनरल में जा रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नॉय के परिवार में हर किसी की डेथ उनके टाइम से पहले हो गई है। नॉय के ग्रैंडफादर को कुछ लोगों ने मिलकर मार डाला था और उसके फादर ने कंपनी डूबने की वजह से सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद उसके बड़े बेटे माइक का एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो मारा गया था। और इन सब डेथ की वजह हमें इस मूवी के एंड में पता चलेगी, तो मूवी में एंड तक जरूर बने रहेगा। अब हम निम को नॉय के घर में देखते हैं जहाँ पर फ्यूनरल में बहुत से लोग आए होते हैं। नॉय के परिवार में सिर्फ उसकी बेटी मिंगी बची होती है और उसका भाई भी उन्हीं के साथ में रहता है। निम के पास में जब मिंग आती है तो निम अपनी नीस मिंग के बिहेवियर में कुछ चेंज देखती है और समझ जाती है कि मिंग किसी प्रॉब्लम में है। और तभी मिंग निम को ये बताती है कि उसके साथ में क्या हो रहा है, ये उसको भी नहीं पता है। और ये भी हो सकता है कि बायन गॉड मिंग को अपना मीडियम बनाना चाहते हों। अब हमें मिंग के एक इंटरव्यू से ये पता चलता है कि मिंग एक कंसल्टेंसी कंपनी में काम करती है जहाँ पर वो दूसरे लोगों को काम दिलवाती है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि इस काम के जरिए वो दूसरे लोगों की मदद किया करती है। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मिंग एक बहुत ही अच्छी इंसान है। अब इसके बाद मिंग उसकी आंट निम से शमन होने की बात पूछती है तो वो उससे ये बताती है कि शमन नाम का इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। और उसकी आंट निम सभी को बेवकूफ़ बनाती है। अब मिंग को देखते हैं जो कि कभी कभार अपने आप से बाहर हो जाती है और अजीबोगरीब हरकत करने लगती है। फिर हम मिंग को एक बार में देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी और नशे की हालत में वो अपने ऑफिस में जाकर सो जाती है। अब फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस के वर्कर आकर मिंग को जगाते हैं और जब मिंग उठकर खड़ी हो जाती है तो उसके पीरियड्स आ जाते हैं। और इसे देखकर मिंग बहुत ही ज़्यादा एम्बरेस फील करती है और वहाँ से भाग जाती है और अपने घर पहुँचती है जहाँ पर नॉय अपने डॉटर को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। फिर नॉय बेन के पास जाती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि निम और मिंग के सिम्टम एक दूसरे से मैच करते हैं, कि अब मिंग को तैयार हो जाना चाहिए और उसे बायन गॉड को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। नॉय उस पर गुस्सा करती है कि वो अपनी बेटी को निम के जैसी शमन नहीं बनाना चाहती है और इसका सॉल्यूशन उसे जल्दी निकालना होगा। अब हम देखते हैं कि मिंग की तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी जिसकी वजह से उसके पेट और प्राइवेट पार्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और इसी के चलते उसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी कंपनी के मैनेजर ने सीसीटीवी कैमरा में मिंग को ऑफिस में अलग अलग लोगों के साथ में इंटीमेट होते हुए देखा था। अब नॉय ये देखती है कि मिंग बाथरूम में बेहोश पड़ी है और उसके चारों तरफ खून ही खून है
और उसे देखकर वो मिंग को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। मिंग की ऐसी हालत को देखकर नॉय अपनी बेटी को बायन गॉड को एज ए मीडियम सौंपने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी निम हॉस्पिटल में मिंग को देखने के लिए आती है, जहाँ पर नॉय उसे बताती है कि वो अपनी बेटी को शमन बनाने के लिए तैयार है और उसको ये सब करने के लिए कौन से रिचुअल करना पड़ेंगे। तो नीम उसे बताती है कि मिंग को बायन गॉड ने नहीं बल्कि किसी और स्पिरिट ने पजस्ट किया है और जब तक हमें उस स्पिरिट के ओरिजिन के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक कोई भी रिचुअल किसी भी काम नहीं आएगा। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीम अपने पावर का इस्तेमाल करके पहले पता लगा चुकी थी कि मिंग के अंदर बायन गॉड नहीं है, जिससे कि नॉय बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और नॉय नीम से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर नीम बैन को लेकर मिंग के रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसको माइक की बहुत सारी फोटोज मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइक का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसने सुसाइड किया था और इसीलिए नीम को ऐसा लगता है कि हो ना हो मिंग को माइक ने पजस्ट किया है। और इस बात का पता लगाने के लिए नीम बैन को उस जगह जाने के लिए कहती है जहाँ पर माइक ने सुसाइड किया था। अब अगली मॉर्निंग मिंग को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और दूसरी तरफ नीम माइक के सोल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है जहाँ पर माइक ने सुसाइड किया था, लेकिन बहुत देर तक प्रे करने के बाद भी माइक की सोल नीम के रिचुअल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। जिसे देखते हुए नॉय नीम से कहती है कि अगर उसने मिंग की जान बचाने के लिए कोई रिचुअल नहीं किया तो दूसरे प्रीस्ट के पास जाकर उसका रिचुअल परफॉर्म करेगी और उसके साथ ही वो मिंग को लेकर दूसरे प्रीस्ट के पास जाती है, जहाँ पर वो उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। और उसके इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वे सभी रिचुअल को परफॉर्म करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर नीम आ जाती है, जो कि नॉय को रोक देती है और उसे बताती है कि उसने रिचुअल कंप्लीट कर लिया तो बैन गॉड उसे और उसकी डॉटर मिंग को कर्स दे देंगे, जिसके बाद में तुम्हारी आने वाली कई पुश्तें बीमारियों से ग्रसित रहेगी और तुम्हारे पूरे वंश का अंत हो जाएगा। वे सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी मिंग नॉय पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। वहाँ से मिंग कहीं पर भाग जाती है और फिर सभी मिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मिंग किसी को भी कहीं नहीं मिलती है। फिर अब वे सभी नॉय को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ पर कुछ देर के बाद में उसे होश आता है और रोते हुए नीम से उसकी बेटी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और उसे देखते हुए नीम उससे लेकर बायन गॉड के मंदिर जाती है, जहाँ पर वो नॉय को बायन गॉड की पूजा करने को कहती है क्योंकि उसकी बेटी को ठीक करने के लिए नॉय को बायन गॉड के ऊपर विश्वास करना होगा। अब नीम माइक के सुसाइड स्पॉट पर जाती है और वहाँ पर बैठकर रिचुअल करने लगती है, लेकिन कुछ दिन तक वहाँ पर उसके रिचुअल का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है। लेकिन एक दिन वो रिचुअल के दौरान हर बार की तरह अंडे फोड़ती है तो उसमें से एक ब्लैक कलर का अंडा निकलता है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि मिंग को माइक नहीं किसी और स्पिरिट ने पजेस्ट किया है। और इसी के साथ में वो मिंग की लोकेशन का भी पता लगा लेती है। फिर नीम एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर वो मिंग को पहुँच पाती है और उसे देखते हुए वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, जहाँ पर मिंग बेहोशी की हालत में होती है। अब फिर एक दिन नीम बायन गॉड के मंदिर जाती है, जहाँ पर उसको बायन गॉड का सिर टूटा हुआ दिखाई देता है और उसे देखकर नीम बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जिसके बाद में हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन अब उसकी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। फिर तभी वहाँ पर नीम आती है और बहुत ही गुस्से में मिंग की तरफ देखते हुए उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो। तभी मिंग एक डेमोनिक फेस बनाती है और नीम से बोलती है कि तुम खुद ही पता लगाओ कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद मिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसे देखते हुए नीम अपनी बहन नॉय को बताती है कि बायन गॉड का सिर टूटने की वजह से उसकी पावर कम हो गई है और वो अब एक्सोसिज्म को नहीं कर पाएगी, जिसके बाद में वो नॉय को एक दूसरे प्रीस्ट के पास में जाने का सजेस्ट करती है। फिर वे लोग मिंग को एक प्रीस्ट के पास में ले जाते हैं, जहाँ पर वो मिंग के सर पर हाथ रखते हैं और बताते हैं कि मिंग को सिर्फ एक स्पिरिट ने नहीं है बल्कि बहुत से स्पिरिट्स ने पजस्ट कर रखा है। तो नॉय पूछती है कि इन सब स्पिरिट ने मिंग को ही क्यों पजस्ट किया है, जिसके जवाब में वो प्रीस्ट ये बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत से लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें बहुत टॉर्चर किया था, जिस वजह से उनमें से एक आदमी की स्पिरिट ने तुम्हारे पूर्वजों को कर्ज दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली के हर एक मेंबर की एज से पहले ही मौत हो जाती है और उस कर्ज की वजह से ही मिंग को स्पिरिट ने पजस्ट कर लिया है। प्रिस्ट नॉय से कहता है कि वो अगले दिन उसी जगह पर एग्जॉर्सिज्म करेंगे जिस बिल्डिंग में नीम मिली थी। फिर नॉय नीम को बताते हुए ये कहती है
कि हर रात मिंग घर में बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हुए सारे सामान को फेंक देती है और वो एक डेमन की तरह रिएक्ट करती है, जिसे सुनकर वे सभी उस घर में कैमरा लगा देते हैं और उसमें हम मिंग के वियर्ड बिहेवियर को नोटिस करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिंग टेबल पर टॉयलेट करती है और इसके बाद वो फ्रिज से कच्चा मांस निकाल कर खाती है और किसी की आवाज़ आने पर वो दोबारा से अपने रूम में चली जाती है। अब बैन ये देखता है कि उसका कुत्ता मरा पड़ा है और वो सबको उठाकर रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें मिंग उसके कुत्ते को जिंदा पका देती है और उसको खा लेती है। इसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। फिर बैन ये देखता है कि मिंग उसके रूम में जाकर उसके बच्चे को उठाकर ले जा रही थी और इसे देखकर सभी लोग चेक करने के लिए बैन के रूम में जाते हैं, जहाँ पर उसको अपना बच्चा नहीं मिलता है और फिर सब लोग मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी बैन को उसका बच्चा रोते हुए मिल जाता है। लेकिन तभी मिंग बैन पर चाकू से हमला कर देती है जिसकी वजह से बैन के हाथों से खून निकलने लगता है, लेकिन सभी लोग आकर मिंग को काबू कर लेते हैं। अब अगली मॉर्निंग नॉय नीम के घर पर जाती है, जहाँ पर उसको नीम मरी हुई मिलती है और उसे किसने मार दिया है ये किसी को भी नहीं पता था और उसके मरने के बाद में नॉय का कोई भी अपना नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि एक नीम थी जो कि उसे इस परेशानी से बचा सकती थी। वो अब किसी भी हालत में अपने बेटे मिंग को बचाना चाहती थी। और फिर हम उस प्रीस्ट को रिचुअल करने की तैयारी करता हुआ देख लेते हैं, जहाँ पर वो नॉय की मदद से मिंग की सारी स्पिरिट को अपने पास में बुलाना चाहते थे और वो मिंग को एक रूम में बंद कर देते हैं, जिसके बाद में बाहर वो अपने कुछ रिलीजियस पोस्टर भी चिपका देते हैं। फिर हम देखते हैं कि नॉय की मदद से वो स्पिरिट को एक पॉट में कैद कर लेते हैं, जिसके बाद में वो पॉट प्रिस्ट उठाकर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिंग के बार बार बुलाने पर बेन की वाइफ खुद को रोक नहीं पाती है और वो उस दरवाजे को खोल देती है। फिर दरवाजा खुलते ही तुरंत मिंग बेन की वाइफ को मार देती है और उसके बाहर आते ही हम सभी प्रिस्ट को पजस्ट होता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वे सभी वहीं पर सुसाइड करने लगते हैं और एक दूसरे को मारकर खाने लगते हैं। अब मिंग डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम पर भी हमला कर देती है और उन सबको भी मारकर खा लेती है। अब मिंग के अंदर का डेमन उसे उसकी माँ के पास में ले जाता है, जहाँ पर वो उसकी माँ को भी जिंदा ही चला देती है। सभी के मरने के बाद हम देखते हैं कि मिंग ने आखिरी बचे हुए कैमरामैन को भी मार दिया है और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि नीम की बॉडी को बायन गार्ड ने छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक कर्स्ड फैमिली की मदद कर रही थी और उसकी बहन जिसने बायन गार्ड को अपनी बॉडी को एज ए मीडियम देने से मना कर दिया था और उसका भी साथ नीम ने दिया था, जिस वजह से बायन गार्ड की मूर्ति टूट गई थी और इन सबसे परेशान होकर नीम ने खुद ही सुसाइड कर लिया था। और इसी के साथ में ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि एक फैमिली के एंसेस्टर ने जो पाप किए थे उस वजह से उनके कर्ज की सजा उनके आने वाली पीढ़ी को मिली और एक एक करके नॉय की फैमिली के सारे मेंबर मारे गए थे और इन द एंड नॉय भी अपनी बेटी के हाथों मारी जाती है। यहाँ पर हमने बायन गॉड को देखा जो कि नीम की फैमिली से किसी एक फीमेल को अपना मीडियम बनाते हैं। बायन गॉड नॉय को अपना मीडियम बनाना चाहते थे, लेकिन नॉय ने बायन गॉड को अपना मीडियम बनाने से मना कर दिया और इस वजह से बायन गॉड उससे नाराज हो गए और इसी का फायदा उठाया डेमन्स ने और उन्होंने नॉय की बेटी मिंग को पजेस कर लिया। दोस्तों, मैं आपको ये मूवी देखने के लिए हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये एक रियल डॉक्यूमेंट्री है या फिर डॉक्यूमेंट्री जैसी बनाई गई मूवी। इस मूवी को आपको देखना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मूवी का लिंक डाल दूंगा और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो अब मैं आपसे मिलूंगा।